साई, अजी, रुक जाओ बेला। ये दाग देख रहे हैं आप? न जाने कब से अपने हाथ पे लेकर घूम रही है। हमें अपना परिवार मानती है, फिर भी हमें नहीं बताया इन्होंने इसके बारे में, छुपाती रही। अब देखते हैं कौन रखेगा इन्हें, हमारे साथ ही आना पड़ेगा इन्हें। साई, क्या ये दाग किसी तरह से जा नहीं सकता? लेकिन क्यों मानिक, इस दाग की जानकारी होने से तुम्हारे रिश्ते में क्या फर्क पड़ता है? ये दाग तो क्या साई, अगर इनका पूरा शरीर भी इस दाग से भर जाए ना, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि एक दाग के कारण हमारा प्यार कम हो जाएगा? बेला ने दाग के बारे में हमें पहले ही बता दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क इससे पड़ा कि आप घर छोड़ के चली गई थी। हमें चिंता इस बात की थी कि हम आपको कैसे ढूंढेंगे। लेकिन साई, इस दाग से आई को तो फर्क पड़ता है ना, एक तरह की हीन भावना आ जाती है इनके मन में, और हम अपनी आई को ऐसे मुंह छुपाकर डर डर के जीते हुए नहीं देख सकते हैं। हम जब भी इनकी ओर देखते हैं, हमें ईश्वर की दी हुई सबसे खूबसूरत भेंट दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि आई को भी यही महसूस हो। मुझे माफ करो बच्चों, मैं तुम्हें खोने से डरती थी, इसलिए ये बात छुपाई तुमसे। माफ करो। आपको खोने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। इतने सौभाग्य से माँ की ममता मिली है, माँ का महत्व क्या है ये उससे पूछिए, जिसके सर पे माँ का साया ना हो। राम जी, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मुझे
इतना प्यार करने वाला परिवार दिया। अब मुझे अपने दागों की भी कोई चिंता नहीं। आई, हमारे घर चलो, खून का रिश्ता है हमारा। किस काम का ऐसा खून का रिश्ता जो एक दाग के आगे अपना रंग खो दे। मैं मानता हूं गलती हुई है मुझसे, इंसान हूं, गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन मेरी आई को पट्टी पढ़ाकर भड़काया तो तुम नहीं है ना? जायदाद हड़पना चाहते हो हमारी, जो अब भी आई के नाम पर है। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए इनकी जायदाद। अरे जाओ जाओ, ऐसा तुम अब बोल रहे हो, कल आ जाओगे हिस्सा मांगने। मैं गांव के मुखिया के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लिखवाऊंगा कि तुमने मेरी आई को बहकाया है। जेल भिजवा कर रहूंगा तुम्हें, हमें आई की जरूरत है और अब ये हमारे साथ आएंगी। जो करना है करो, मैं भी देखता हूं कौन हमें हमारी आई से दूर करता है। तुम्हारे जैसे मतलबी बेटे के साथ कोई मां नहीं रहना चाहेगी। बहुत मुंह चलता है तेरा, रुक जाओ। तुम दोनों आपस में ही फैसला करोगे? या सरस्वती माई से भी पूछोगे कि इनकी मर्जी क्या है? बताइए माई, आप किसके साथ रहना चाहेंगी? गांव के मुखिया के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लिखवाऊंगा कि तुमने मेरी आई को बहकाया है। जेल भिजवा कर रहूंगा तुम्हें। मां तो वही रहना चाहेगी जहां उसके प्यार को बच्चे समझ सके, उसकी इज्जत कर सके। माने बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। मेरा दिल तो यही कहता है, लेकिन मेरी वजह से तुम पर कुछ आ जाए ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए कि मेरा ये स्वार्थी बेटा तुम्हारे लिए कुछ मुसीबत खड़ी करे, मैं इसके साथ वापस जाऊं, यही ठीक होगा। सुना? चलो आई। आई, हम आपके लिए कोई भी मुश्किल सह लेंगे। आई, हमें छोड़कर मत जाइए।
जी मत जाओ ना। सबकी भलाई इसी में है बेटी, मैं यहां से चली जाओ। ए लड़की चला। नहीं, मैं अपनी अज्जी को कहीं नहीं जाने दूंगी, कोई नहीं छीन सकता मुझे इनसे। अपने बाप की तरह तुम्हारी भी जुबान बहुत चलती है, बदतमीज। अंदर ले आओ जल्दी। बेला, बेला, साई हमें इसे अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी। साई कुमकुम, जैसा आप चाहते थे वैसे तैयार कर दिया है। तुम्हें विश्वास है ना श्यामा कि इसमें एक भी गुठल नहीं है? हाँ साई, मैंने अच्छे से देखा है। क्या हुआ इस बच्ची को? कहते हैं कि इसके इसके दिल में खून के थक्के हैं, जिस वजह से इस पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। तो कोई इलाज नहीं है। कौन है ये लोग? बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने एक। कोई भी राह सफर उस तक पहुंचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम नजर साई, मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई।
अज्जी छोड़कर मत जाइए ना। अब तो ये ठीक हो गई ना, चलो आई। नहीं अज्जी। नाना, अब वो समय आ गया है जब तुम एक माँ की सेवा करके अपनी आई की सेवा करोगे। मेरी अज्जी को मेरे पास रहने दीजिए ना, मत ले जाइए मेरी अज्जी को। मैं सब समझ गया, ये चमत्कार तुम सब लोगों का ढोंग था ना। क्या लगता है तुम लोगों को, तुम लोगों का ये ढोंग देख करके मैं अपनी आई को यहीं छोड़ दूंगा? आई के जाने के बाद पहले ही बहुत नुकसान हुआ है मुझे, अब आई मेरे साथ चलेंगी, नहीं तो मैं फैसला करने के लिए गांव के मुखिया को बुलाने जा रहा हूं। याद है ना तुम्हारी आई ने तुमसे कहा था कि जब भी किसी जरूरतमंद मां को देखो तो उनकी मदद करो, ये सेवा उन तक पहुंच जाएगी। मुझे आदेश दीजिए साईं, मुझे क्या करना है? समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। माँ किसके साथ रहेंगी इसका फैसला किसी का फायदा नुकसान देखकर नहीं लिया जा सकता है। ये वहीं रहेंगी जहां इनका दिल चाहेगा। जैसा कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया, मैंने देखा समझा, उससे ये स्पष्ट है, ये इन लोगों के साथ रहना चाहती हैं। और मजबूरी में ही तुम्हारे साथ लौटना पड़ रहा है। तुम होते कौन हो बीच में टांग अड़ाने वाले? मैं अहमदनगर का डिप्टी कलेक्टर हूं। अब अगर तुमने अपनी आई को मजबूर करने की कोशिश की तो मेरे पास जितनी भी सरकारी ताकत है और कानूनी अधिकार हैं उनके तहत मैं तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। जेल में सड़ोगे तुम। ठीक है, जहां रहना है रहो, लेकिन मुझे पता है ये राम मूर्ति हमेशा से हमारे खानदान में रही है और बाबा कहते थे कि इन्हीं की वजह से हमारे खानदान में बरकत थी। ये मूर्ति वापस करो हमें। जानते हो बेटा, ये मूर्ति मूर्ति नहीं, इसमें मेरे प्राण बसते। लेकिन खानदानी मूर्ति तो खानदान के बेटे के साथ ही रहेगी ना आई, आप चाहो तो मूर्ति के साथ आप भी आ जाओ।
आई, आप सचमुच यहीं रहना चाहती हैं? अब से मैं यहीं रहूंगी तेरे पास। धन्यवाद बेटा, आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी इच्छा से जीने की आजादी मिली है। धन्यवाद करना है तो साईं का कीजिए माई। इन्होंने मुझे सिखाया कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है। ये आप लोगों का साईं पर विश्वास ही है कि ये लड़की अभी सही सलामत खड़ी है, नहीं तो इसका इलाज ही नहीं है किसी वैद्य के पास। साईं, मैंने आप पर विश्वास किया तो उससे एक माँ का भला हुआ। साईं, आज मैंने पहली बार आप में उस व्यक्ति के दर्शन किए जिस पर आज से पहले मैंने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया। मेरी आई पास आई, मैंने अपनी आई के दर्शन किए आप में। मैं जो हमेशा हर बात में तर्क ढूंढा करता था, प्रमाण के अलावा किसी बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आपने ऐसी अनुभूतियां करा दी कि अब आप पर विश्वास ना कर पाना संभव नहीं है। हाँ सही, मैं डरता था आई को खो देने के बाद मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता था, फिर से खो जाने का डर, इसलिए मैंने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। पर आपने मुझे समझाया साईं कि सिर्फ देह तक संबंधों को सीमित रखना मेरी भूल है। संबंध तो अंतर आत्मा का होता है जो अजर है, अमर है, जो कभी नहीं मरती। मेरी पत्नी ने मुझसे सही कहा है, आप ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं आश्रित हो सकता हूं, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं। आज से आप ही मेरे माता पिता है साई। राम जी, आपने मुझे नया परिवार दिया। साई के रूप में आप खुद मेरे पास आए हैं, लेकिन आपको मेरे बेटे के साथ जाना होगा, उनका ख्याल रखना और उनको सद्बुद्धि देना, और मेरे नारायणी को ढेर सारा प्यार। जा बेटा, अपने घर जा, मैं तुम दोनों को दिल से माफ करती हूं। राम जी तुम दोनों को हमेशा सही राह दिखाएंगे। बिना मांगे जो बच्चों की जरूरत को पूरा करे
वो माँ है। तुम दोनों को माफी की जरूरत थी, इन्होंने दे दी बिना तुम्हारे मांगे। तुमने ये तो जरूर जताया कि इनके ना होने से तुम लोग कैसे मुश्किल में पड़ गए, तुम लोगों की कैसे बदनामी हो गई। उसके बाद तुम इन्हें डराने धमकाने लगे, लेकिन कभी एक बार भी प्यार से आई कहकर नहीं पुकारा, एक बार भी दिल से माफी नहीं मांगी। लेकिन फिर भी सरस्वती माई का आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भाई, आप सच में हमारे साथ नहीं आना चाहती? आपने इतनी आसानी से अपने जन्म दिए बेटे को, भाई ऐसा क्या है इस परिवार में जो हम में नहीं है? तुम्हारी आई के दाग दूर करने का उपचार बता रहा हूं। ये लेप रोज लगाना होगा इन्हें, लेकिन ये काम सिर्फ इनकी पोती कर सकती है। उसके हाथों जब लेप लगेगा तभी इनके हाथ के दाग दूर होंगे। अगर स्वीकार है तो ले जाओ इन्हें अपने साथ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।